मोजिस सामीन अस्सलामुअलैकुम। मोजिस सामीन आर्मेनिया और आज़रबैजान के माबैन नागोर्नो कराबाख तनाज़ा से मुतल्लिक अमरीका की सालसी में जंग बंदी का एक मुआहदा तय पाया था और इसका तलाक पीर से होना था, लेकिन इसी रोज़ अपनी नौइयत का तीसरा मुआहदा दोनों फ्रीकैन की जानब से एक दूसरे पर हला वर्जी के इल्ज़ाम के बाद नाकाम साबित हुआ। आज़रबैजान ने आर्मेनिया पर इस खत्ते के एक गांव पर गोलाबारी करने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि आर्मेनिया की वजारत दिफा ने कहा है कि जंग बंदी के मुआहदे के बाद आज़रबैजान के हुकाम ने अपने मुतद्दद फौजी पोजीशन से गोलियां चलाकर हलावर्जियां की हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट में आर्मेनिया के सदर निकोल पाशिनियान ने कहा है कि इनका मुल्क जंग बंदी के हसूल पर सख्ती से अमल कर रहा है। दूसरी तरफ आज़रबैजान के सदर के तर्जमान ने कहा है कि इनका मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, जबकि आर्मेनिया अपने कब्जे को तहफ़ फराहम करने की कोशिश कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन इन यूरोप नामी इस तंजीम जिसने दोनों मुल्कों में सालसी कराई, इसकी अगली मुलाकात जुमेरात को मुतवक्के है, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल अमेरिका की सालसी से आर्मेनिया और आज़रबैजान ने नागोर्नो कराबाख के इलाके में एक माह में तीसरी मरतबा जंग बंदी पर इतफाक हुआ था। अमरीकी वजारत हारजा के मुताबिक ये मुआहदा तवील मुजाकरात के बाद तय पाया और फायर बंदी का आगाज पीर की सुबह से ही होगा। रवा माह में ऐसे ही दो और फायर बंदी के मुआहदे भी किए गए थे, ताम बाद में दोनों ममालिक की जानब से इनकी भी हलावर्जी की गई थी। आर्मेनिया और आज़रबैजान के दरमियान ये लड़ाई नागोर्नो कराबाख के मुतनाज़ा पहाड़ी इलाके में 27 सितंबर से शुरू हुई, ताहम हालिया दिनों में इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है। एतवार के रोज़ अमरीका की जानब से जारी करदा मुश्तरका ऐलामिये में आर्मेनिया और आज़रबैजान की हकूमत ने इतफाक किया कि इंसान दोस्त फायरबंदी पीर के रोज़ मकामी वक़्त के मुताबिक 8 बजे अमल में आएगी। ये ऐलान अमरीकी डिप्टी वज़ीर हारजा स्टीफन बैगन, आर्मेनिया के वज़ीर हारजा और आज़री के हम मनसब वायरो मूव के दरमियान मशावरत के बाद सामने आया। जुम्मे के रोज़ दोनों मुल्कों के वज़ारा हारजा ने वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर हारजा माइक पोपियो से मुलाकातें की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम फरीकीन को मुबारकबाद पेश की। तहफ़ और मुआवनत के यूरोपीय अदारे से देगर सालस जुमरात के रोज़ एक इजलास में इस हित्ते में इस कशीदगी पर बहस करेंगे। इससे कबल रूस की सालसी में होने वाले दो फायर बंदी के मुआहदे बरकरार नहीं रह सके। नागोर्नो कराबाख वो इलाका है जहां बैनुल अक़वामी सतह पर आज़रबैजान का एक हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन वहां आर्मेनियाई बशिंदों की अक्सरियत है। इस लड़ाई में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। इस इलाके से शुरू होने वाली कशीदगी जल्द ही तेज़ी से बड़े पैमाने पर कशीदगी का बायस बनी और कस्बों और शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ शेलिंग भी की गई और मुबैना तौर पर पाबंदी का सामना करने वाले क्लस्ट्रोल एम्यूनेशन का इस्तेमाल भी किया गया। अब तक इस लड़ाई से कई हज़ार अफराद हलाक हो चुके हैं और शेलिंग से दोनों अतराफ में सिविलियंस हलाक हुए हैं, जबकि हज़ारों अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। मौजूदा लड़ाई दहाइयों में होने वाली सबसे बड़ी लड़ाई है और दोनों फ्रीकैन एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे। आज़रबैजान और आर्मेनिया ने 1988 से लेकर 1994 तक इस खत्ते पर जंग की थी और बिलाहर जंग बंदी का ऐलान किया था, ताहम इस पर बाज़ाब्ता कोई मुआहदा नहीं हुआ। हदशा ये है कि दोनों फ्रीकैन के फौजियों और शहरियों की बड़ी तादाद की हलाकतें हुई, लेकिन सरकारी तौर पर दिए गए आदादोशुमार की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं हुई। गुज़श्ता सोमवार को आर्मेनिया फौज ने मरने वालों की फहरिस्त में मजीद 19 फौजियों का नाम शामिल किया। इसके साथ ही जंग में आर्मेनिया की जानब से मरने वाले फौजियों की तादाद 729 हो गई है। इधर रूसी सदर के मुताबिक आर्मेनिया और आज़रबैजान के दरमियान नागोर्नो कराबाख के तनाज़े पर हालिया झड़पों के दौरान अब तक तकरीबन 5,000 लोग हलाक हो चुके हैं। तो मुझे सामीने ग्रामी उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें।